एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक पुष्प, एक चावल का दाना व्यक्ति के निर्णय को बदल देता है। महाराज उसका क्या भाव था, वो क्या उसकी किस्मत में कितना दुख लिखा हुआ था, उस दुख को केवल उसका एक लोटा पानी उसको सुख की ओर ले जाता है। एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसी भी दुविधा हो, या कैसी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, अगर आप एक लोटा जल सुबह शिवलिंग पर जाकर समर्पित करना चालू कर देते हैं, उसके बाद जीवन में कैसी भी समस्या हो भगवान उसको काट देंगे। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं, हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, रख लो वापिस रख लो, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप तो चढ़ाओ साथ में अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इनको भी कहो कि एक लोटा पानी शिव को चढ़ाने में कुछ घटता नहीं है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया और अपनी जो मन की कामनाएं थी वो भगवान भोले को बताई, उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। तो आपको जो भी ऐसा इंसान मिले जो दुखी है, परेशान है, या कोई समस्या से घिरा हुआ है, तो आप उनको जानकारी दो कि एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना चालू कर दें। तीन दोष मिट जाते हैं, पहला वास्तु, दूसरा पित्र, तीसरा कालसर्प दोष। ये तीन दोष शंकर जी पर एक लोटा पानी चढ़ाने से मिट जाते हैं। पानी मंदिर का नहीं, पानी अपने घर का लेकर जाओ। मंदिर का अगर पानी लिया है एक लोटा, तो एक रुपया दान पेटी में चढ़ाओ, दो रुपया चढ़ाओ। पर अगर मंदिर का लोटा ले रहे हो, मंदिर का पानी ले रहे हो, मंदिर की बाल्टी ले रहे हो, तो हमें फ्री में पानी नहीं चढ़ाना, हमें एक रुपया दो रुपया दान पेटी में डालना है, ब्राह्मण देवता के हाथ में देना है। गुरुजी हमने आपकी बाल्टी ली, गुरुजी हमने ये लोटा लिया, गुरुजी हमने पानी लिया, ये ब्राह्मण देवता ये आपका। तो गुरुजी का कहना है कि हमें हर रोज एक नियम बनाना है, सुबह उठकर नहाकर सबसे पहला जो काम करना है वो है एक लोटा जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो ये काम हमें रोज करना है। ये काम करते ही जैसे कि गुरुजी कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या का हल, तो उसी प्रकार अगर आप एक लोटा जल शंकर भगवान पर चढ़ाते हैं तो आपकी जितनी भी समस्या है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी जीवन में दुविधा है, सब खत्म हो जाएगी। बस आपको विश्वास कर एक लोटा